जावेद मुझे चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए, उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। चाकू लेके भाग गया तो पूछनी से भागा तो देखूंगा सब खून में लथपथ था वो। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, पैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो, हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे, हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा 1 ही रह गया, हमारे ऑपरेशन से हुआ सब बच्चे, अरे बड़े ऑपरेशन से इतना पेट फटा हुआ है हमारा। ये शब्द दर्द बयां करते हैं उस मां के जिसके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला मंगलवार 19 मार्च का है। बदायूं के सिविल लाइन्स थाना इलाके की बाबा कॉलोनी में साजिद और जावेद 2 भाइयों की नाई की दुकान है। शाम के अंधेरे में साजिद दुकान के सामने रह रहे विनोद सिंह के घर गया और 12 साल के आयुष और 6 साल के आहन की गला काट कर हत्या कर दी। इस दौरान उसका भाई जावेद घर के नीचे खड़ा रहा। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था आके इस तरीके से। भाई तो बात है कि भाई तो पूछना है आखिर इसने क्यों किया, तो किसी कहने भी तो करा क्यों किया, आखिर क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया। घटना के चश्मदीद और मृतकों के भाई युवराज ने बताया कि साजिद ने उसके बड़े भाई आयुष से चाय लाने को कहा और छोटे भाई आहन से पानी। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो तेज तर्रार हथियार से उनका गला काट दिया। जब छोटा भाई आहन चीखा तो युवराज भागता हुआ ऊपर गया। युवराज ने कहा कि तब तक वो मेरे दोनों भाइयों को मार चुका था, मुझे देखते ही उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, मैंने धक्का दिया और मैं नीचे भाग आया। पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए, मम्मी कोई बात नहीं परेशान है, कोई भी आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या, हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर कहते हैं दीदी पानी नहीं है, मैं चलो ले लो पानी अंदर से मंगवा के पिला देते हैं। साजिद खून में लथपथ था, पुलिस को जानकारी मिली, उसका पीछा किया गया और शेखुपुर के जंगलों में उसे पकड़ने के लिए फायरिंग की गई। हालांकि एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। मामले में साजिद के भाई जावेद को भी आरोपी बताया जा रहा है। जावेद मौके से फरार चल रहा था, हालांकि उसे बरेली से पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मृतक बच्चों की माँ का कहना है कि जावेद को उनके आगे मारा जाए। हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, पैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो, हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे, हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा 1 ही रह गया, हमारे ऑपरेशन से हुआ सब बच्चे, अरे बड़े ऑपरेशन से इतना पेट फटा हुआ है हमारा। पिता विनोद सिंह का भी बयान सामने आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि साजिद ने ऐसा क्यों किया, क्या किसी ने आयुष और आहन को मारने के लिए साजिद को कहा था। वो ये चाहते हैं कि जावेद से पूरी पूछताछ की जाए। फिलहाल जो है और हम यही कोशिश करेंगे वो पकड़ा जाए और पकड़ने का उस पर पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए इंसाफ, क्या है आपके लिए इंसाफ? तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। किसी और ने करवाया? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या रेंजर्स है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी कि हमारे परिवार को पूरा मार देगा, हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो, क्योंकि वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। अगर वो अगर बच्चे भी मार जाते ये सब लोग मार डालता, वो अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला जाता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए, अब वो तो वो बताया किसके शक पर उसने काम किया है, जब वो पकड़ा जाए उसे बयान सुनी जाए उसके तब पता चलेगा मुझे। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उसको क्या किया है, इसी को हम तो सरकार से यही प्रार्थना है
कि उसको पकड़ गिरफ्तारी हो सकी और हमारी जांच उसे बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। इनकाउंटर नहीं था, इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी है कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ, मेन तो पकड़ा जाए, वो पकड़ने के बाद पूरा कहानी उससे पता चली जाए कि यहाँ क्या सिस्टम है उसका, कि किससे जुड़ा हुआ है, किसने ये काम करवाया है, कि भाई ये दोनों साथ रहते थे और साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे, ये कभी अलग नहीं हुए। दुकान का नियम था इनका, सुबह 6 बजे आ जाना और शाम को 9 या 10 बजे उसका दुकान बंद करना, ये रोज का नियम था इनका। कभी मतलब लेट हो जाते हैं, लग चीज नहीं, मगर कभी अलग नहीं जाते थे। फिलहाल जावेद पुलिस हिरासत में है। पूरे इलाके की स्थिति गंभीर है और स्थानीय लोग केवल इंसाफ चाहते हैं कि आखिर उन दो मासूमों की क्या गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल 18, नोएडा।